हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में बनाएंगे हम लेटेस्ट फ्रिल अम्ब्रेला डिज़ाइन बाजू। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको सूट में लगाया, आप इसे टॉप या ब्लाउज किसी में भी लगा सकते हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चौकोर कपड़ा कट किया है, तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है 18.5 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखी है 18.5 इंच और यहाँ से मैंने इसकी लंबाई भी 18.5 इंच रखी है। तो इसमें हमारे यहाँ पर लगभग 8.5 इंच की बाजू बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से दो बाजू के लिए दो चौकोर कपड़े कट किए हैं। आपको इस टाइप की बाजू बनाने के लिए आपको सॉफ्ट कपड़ा लेना है, चाहे आप नेट ले सकते हो या फिर आप इस तरह से सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हो। तो देखिए हमें पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इसको 4 फोल्ड में कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको 4 लेयर में रखना है और रखने के बाद में इसको हमें इस तरह से पहले बराबर करना है और बराबर करने के बाद में देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई है 9.25 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको 9.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 9.25 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से करके हमें यहाँ पर 2-3 जगह निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें इसके इस तरह से बराबर में गोलाई में इसको कट कर लेना है। सो गाइस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रोज़ देखने को मिलेगी। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से वापस से खोल दिया है और खोलने के बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है 3 इंच पे और उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक लगाना है जितना हमने सूट में आर्म होल रखा है, जिसे मैंने यहाँ पर 6.25 इंच रखा है। तो यहाँ पर हमें 6.25 इंच लगा लेना है और उसके बाद आप देख सकते हो इस यहाँ पर जो लंबाई बची है वो टोटल 9 इंच बची है। तो इसमें हमारे यहाँ पर 8.5 इंच की बाजू बन जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर शेप लगाना है और यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 इंच का शेप दिया है इसमें और उसके बाद हमें इसको कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर कपड़े को कट किया है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से कट हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ पर बाजू की कटिंग होगी और इसको आप बनाने के बाद देख सकते हो ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो मैं आपको पहले इसको इस तरह से करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको खोलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाजू कुछ इस तरह से दिखेगी ये। तो इसको हमें वापस से पहले बराबर में फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमें बीचों बीच एक सेंटर में कट लगा देना है। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मशीन पे आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, इसको पहले साइड में से फोल्ड कर लेना। आप चाहो तो इसमें पिको करवा सकते हो, लेकिन मैं इसको मशीन से फोल्ड करूँगा। तो फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इसमें 2 सिलाई लगानी पड़ेगी। तो पहले हमें यहाँ पर कपड़े को एक बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें कपड़े को दोबारा से फोल्ड करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ में दोनों कपड़ों को फोल्ड करोगे तो आपकी बाजू में फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 बार फोल्ड करके 2 सिलाई लगानी है। तो इससे हमारे यहाँ पर बाजू में, क्योंकि ये गोलाई है तो इसमें फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर 2 बार फोल्ड करना पड़ेगा कपड़े को। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अब देखिए मैंने यहाँ पर सूट को इस तरह से कंप्लीट सिल रखा है। तो अब हमें इसमें बाजू लगाएंगे, तो बाजू को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है जैसे हम नॉर्मली बाजू लगाते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर को लेना है और इस तरह से मैंने यहाँ पर बीच में कट लगाया। तो ये जो हमारी शोल्डर वाली सिलाई, इसको यहाँ से हमें पकड़ना है और इस तरह से हमें इसको नाप लेना है और नापने के बाद में देखिए यहाँ से हमें आस्तीन को लगाना शुरू करना है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव लगाते हैं उसी तरह से हमें इसको अटैच करना है। सो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही डिज़ाइनर बाजू के वीडियोज़ रोज़ लेके आता हूँ। और आपको किसी भी टाइप की वीडियोज़ देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो देखिए मैंने जैसे नॉर्मल स्लीव को हम लगाते हैं तो उसी तरह से मैंने इसको भी यहाँ पर अटैच किया है। तो आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में ये अटैच हुई है। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पर ये बाजू डिज़ाइन बना सकते हो। सो गाइस देखिए आप अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल बाजू की फिटिंग करते हैं उसी तरह से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो फाइनली आप यहाँ पर लुक देख सकते हो कितना सुंदर और शानदार लुक आया है इस बाजू डिज़ाइन में। सो आप वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।